हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्रीजित ऑफिशियल। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास दिया हुआ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए और कुछ नया वीडियो ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलन तो आज जानवा जैविक कृषि विषय। जैविक कृषि आधुनिक कृषि पद्धति प्रयोग फल अधिकांश देश में फसल अमल वृद्धि एक स्थितावस्था पहुंची एवं अत्यधिक रासायनिक सार और कीटनाशक व्यवहार एक चिंतार विषय हो चिरपोष्य मान व धारावाहिक कृषि आवश्यकता एकांत अनुभव कर विगत 4 दशंधि मध्य सघन कृषि प्राकृतिक उत्स और परिवेश प्रति क्षतिकारक प्रमाणित हो सकता। तो सघन कृषि विभिन्न त्रुटि परिलक्षित होइथिबारु एक विकल्प कृषि पद्धति अन्वेषण करा जाउ जार नाम जैविक कृषि। जेउ फसल उत्पादन पद्धति रे कृत्रिम सार बुद्धि नियंत्रक कीटनाशक गोखाद्य मिश्रक आदि व्यवहार को ह्रास संपूर्ण भाव बाद दि जाए जैविक कृषि कहुए। तो जैविक कृषि एक उत्पादन पद्धति जहाँकि जैव पदार्थर सर्वाधिक व्यवहार को उत्साहित करिथे कृत्रिम उपाय प्रस्तुत कृषि सामग्री को निरुत्साहित करी धारावाहिक प्राकृतिक उत्स और सुस्थ परिवेश मध्यरे माटीर उत्पादकता उर्वरता और रोग पोक परिचालना को पद्धति को बजाय रखे। तो चलंतु जानिबा यार नीति और पद्धति विषय। अनेक स्थल में व्यवहृत होउतबा जैविक कृषि दुईट मुख्य दिग उपरे गुरुत्व देते अजैव रासायनिक सार प्रतिबदल खत और अन्यान्य जैविक द्रव्यर व्यवहार रासायनिक रोग पोक नियंत्रण परिवर्ते जैव नियंत्रण ग्रहण। आसंतु जानिबा यार विभिन्न दिग उपादान यार 6 गोटी दिग अछि जेपरिकी फसल और मृत्तिका परिचालना कृषि क्षेत्र में फसल नष्टावशेष पुनः व्यवहार अणरासायनिक तृण दमन घरोई द्रव्य और शिल्प वर्ज्य वस्तुर पुनः व्यवहार जैविक खाद्य सार और जैव कीटनाशक। आसंतु एबे जानिबा जैव कृषि पई केतक मुख्य चाष पद्धति जहाँकि प्रथमटी है समन्वित खाद्य सार परिचालन हालुका आकर्षण करने द्वारा माटीर जैव अंश और जिया समेत अन्यान्य जीव संरक्षण होती कृषि क्षेत्र मिलुथवा समस्त फसल शेषांश को कंपोस्ट परिणत करूँ प्रतिवर्ष हेक्टर प्रति 2-3 टन कंपोस्ट खत मिसाई दिंतु प्रति 2 किंवा 3 वर्ष पर सबुज सार प्रयोग करूँ छुई जातीय फसल गछ को माटी मिशातु उपयुक्त फसल परिवर्तन मिश्रित फसल और अंत फसल चाष करूँ फसल परिवर्तन डाली जातीय फसल निश्चित भाव चाष करूँ अणरासायनिक पद्धति घास परिचालना करूँ उपयुक्त जैव सार व्यवहार करूँ। एबे जानिबा समन्वित रोग पोक परिचालना फसल अमल पर माटी को लुटाई देले पोक बाहरी आसती हिड़नाल घास होते सफा करूँ रोग पोक सहणी बिहन किसम व्यवहार करूँ ठीक समय फसल बुणा कम सारी दिंतु सुस्थ बिहन बुणतु जांत्रिक एवं भौतिक नियंत्रण पद्धति ग्रहण करूँ परभोजी एवं शिकारी पोक जमि में छाड़ू जैव कीटनाशक व्यवहार करूँ। एबे जानिबा समन्वित मृत्तिका एवं जल परिचालना किपरि करिपरि तो केवल आवश्यक स्थले जलसेचन व्यवस्था करूँ अधिक जलसेचन नक आवश्यक परिमाण में जल दिंतु जमी समतुल करूँ पानी नाल मजबूत करदे पानी तल को जा कि पार्श्वे जा नष्ट हुए ना से बंध नाल एवं पोखरी तैयारी करी भविष्य व्यवहार पर पानी साइत रखत एपे जैविक कृषि कौन कहीं किपरि होता है और यह चाषी भाई मानी कौन पर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अट। भिडियोटी भल लगी सेयार करूँ और तले थी कमेंट बक्स में जनातु आम पुणी देखा आगामी अध्याय धन्यवाद।